तो हाँ जी, क्या आप जानते हैं कि इलायची की खेती से लेकर मार्केट में बेचने तक क्या क्या प्रोसेस होता है? जी हाँ, वही इलायची जिसे अगर चाय में मिला दिया जाता है तो चाय का स्वाद ही बदल जाता है। साथ ही इस इलायची की मदद से बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं और इसी इलायची का इस्तेमाल मसाले में भी किया जाता है। आखिर इस इलायची में क्या क्या प्रोसेस किया जाता है कि मार्केट में आते ही इसकी कीमत आसमान छूने लगती है? लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि इलायची पेड़ों के टहनियों में नहीं बल्कि पेड़ों के जड़ों में उगता है और इलायची का कच्चा फल कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसे प्रोसेस करके खाने योग्य बनाया जाता है। तो सबसे पहले इलायची के छोटे छोटे पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले अच्छे क्वालिटी के इलायची से बीजों को निकालकर पानी में 24 घंटे के लिए रख दिया जाता है और फिर 24 घंटे बाद इन बीजों को बाहर निकालकर पौधे तैयार करने के लिए नर्सरी में लगा दिया जाता है और वहीं पे इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। 1 से 2 महीने बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इन पौधों को नर्सरी से लाकर बरसात से पहले मिट्टी में कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इलायची की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो इलायची की सबसे ज्यादा खेती भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। इलायची के पौधे को छायादार जगह पर लगाया जाता है, जिसके लिए 1500 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके लिए 10 से 35 डिग्री टेम्परेचर को उपयुक्त माना जाता है और फिर इन पौधों में लगभग 3 से 4 सालों बाद फूल आना शुरू हो जाते हैं। इलायची के पौधे 5 से 10 फीट के एवं काफी घनाकार होते हैं। फूल आने के बाद ही इनमें इलायची की सुगंध आने लगती है और फिर अगले सप्ताह में इन पौधों में इलायची के फल भी आने लगते हैं। ये पौधे 10 से 12 वर्ष तक फल देती रहती है। जब इन पौधों में अच्छे से इलायची आ जाती है तब बारी आती है इन्हें हार्वेस्टिंग करने की, जिसमें इलायची के फलों को वर्कर्स तोड़ लेते हैं और 1 हेक्टेयर में सिर्फ 5 से 7 किलो इलायची ही प्राप्त होता है, जिसके वजह से मार्केट में इलायची काफी महंगे दामों पर बेचा जाता है। और हाँ, इलायची को तोड़ते समय पौधे से सारे इलायची को नहीं तोड़ा जाता बल्कि पौधों में कुछ इलायची को बीजों के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बीजों के लिए वही इलायची सबसे अच्छा माना जाता है जो कि पेड़ों में ही सूख जाता है। अब तोड़े हुए इन इलायची को प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां पर वर्कर्स द्वारा लाए गए इलायची को तोलकर एक कार्डमम ड्रायर में डाला जाता है और फिर इसे 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इलायची के अंदर 50 से 60% नमी मौजूद होता है। अगर इसे सुखाया नहीं जाएगा तो कुछ दिन के अंदर ही इलायची खराब हो जाएगा। अब सूखी हुई इस इलायची को पॉलिशिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि इलायची में चमक आ जाती है। फिर इस गर्म इलायची को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इलायची का ग्रेडिंग किया जाता है, जिसमें अच्छे क्वालिटी के इलायची को अलग करके पैक कर दिया जाता है और फिर इस पैक किए हुए इलायची को मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इलायची बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप इलायची का सेवन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र काफी मजबूत हो जाता है। साथ ही इलायची का इस्तेमाल मोटापे को कम करने में भी किया जाता है। यदि वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इसी प्रकार का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। यदि आप जानना चाहते हैं कि लौंग कैसे बनता है तो लेफ्ट वाले वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।